नेक्स्ट है एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, हमने एलसीआर किया। अब कहते हैं एल को छोड़ दो, आर और सी रख लो सीरीज में, तो अब क्या बचेगा, एक वीआर और एक नीचे की तरफ क्या बचेगा, वीसी, क्योंकि वोल्टेज पीछे करंट आगे होता है इस कैपेसिटर में। तो नेट ईएमएफ की जो वैल्यू आएगी इसमें वो क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर, तो ये टर्म आएगी। और इम्पिडेंस में वी एल एक्स एल को हटा दो, टेन फाई में क्या बनेगा, वी सी अपॉन वी आर, पर ये एंगल ऊपर नहीं बनेगा, ये एंगल नीचे बनेगा, ठीक। तो बाकी न्यूमेरिकल में देखेंगे, क्लियर है यहाँ तक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन केस ऑफ प्योर इंडक्टर, मान लो न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, प्योर इंडक्टर अंडरलाइन कर लो, तो आपने उसमें कैपिटल आर को कंसिडर नहीं करना, आपने सिर्फ किसको कंसिडर करना है, एक्स एल को, कब, जब उसमें ए सी करंट पास किया जाएगा। अगर ए सी करंट नहीं पास हो रहा फिर तो एक्स एल का भी कोई काम नहीं है, तो आपने इसमें एक्स एल को कंसिडर करना है, आर को तो बिल्कुल नहीं करना। लेकिन अगर वो कहते हैं जी वैसी इंडक्टर है, अगर वैसी इंडक्टर है तो वो किसी मटेरियल का बना होगा कॉइल आर, और अगर ए सी करंट पास कर रहे तो उसमें एक्स एल भी होगा, तो यानी कि ये सर्किट आर एल सर्किट माना जाएगा। तो आपकी उस केस में टोटल रेजिस्टेंस आर और एक्स एल का कॉम्बिनेशन होगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, उस केस में इंपिडेंस लेनी पड़ेगी, क्लियर है। लेकिन वो कहते हैं अगर डीसी करंट पास किया जा रहा है जिसमें इंडक्टर में आर भी है और एक्सएल भी है, तो अगर डीसी करंट पास कर रहे हैं तो एक्सएल तो डीसी करंट के लिए क्या हो जाएगा, जीरो, सिर्फ और सिर्फ क्या लिया जाएगा, आर, क्योंकि रेजिस्टेंस आर कंसिडर करें, एक्सएल तो लेना ही नहीं है डीसी के अंदर। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें?